हेलो एवरीवन, लास्ट टॉपिक में हमने बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया प्लस बायोटेक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स वगैरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट करे हैं, जो पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करे, हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज हम बायोटेक में आगे बढ़ जाएंगे। आज जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो है बायोटेक्निक्स। अब आप बोलोगे व्हाट आर बायोटेक्निक्स। बायोटेक्निक्स मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स हैं, लेकिन ये जो सारे टेक्निक्स हैं ये आपके लिए 3 मार्कर 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक। 11 मार्कर में इसका कोई रोल है ही नहीं, ये डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, या 3 मार्कर अगर है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर 5 मार्कर है तो फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक एंड इट्स फंक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस के तौर पर ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। लेकिन एज इट इज है, जैसा है बस वैसे ही हमें रट लेना है। बस आपको कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा आज, ठीक। एक एक करके डील करते हैं बायोटेक्निक्स। जो पहला बायोटेक्निक जो हम डील कर रहे हैं वो है बायोप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। इसे बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। आपके नोट्स में खाली बायोप्रोसेसिंग लिखा है, देखते हैं इसके बारे में। इट इज अ टेक्निक इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग सेल्स या फिर और देयर कॉम्पोनेंट्स, दैट मीन्स उनके जो प्रोड्यूस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वी आर यूजिंग देम टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड एंड प्रोडक्ट। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर उनकी कोई चीज़ को इस्तेमाल करके जब हम कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम कहते हैं बायोप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल लेते हैं, हम मैदा लेते हैं, मैदे में ईस्ट को ऐड करेंगे, फंगस को ऐड करेंगे, फंगस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो जब हम इसे ऐड करके फर्मेंट करते हैं फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसको जब हम जो डो बनेगा, डो को हम रख देते हैं, फिर डो को क्या करते हैं, बेक करके जो ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड इज द एंड प्रोडक्ट, लेकिन इस बीच में जो प्रोसेस यूज हुआ है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब आप कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उसके प्रोड्यूस को, उसके प्रोडक्ट को या फिर उसका कोई कंपोनेंट जब आप यूज करते हो और कोई प्रोडक्ट बनाते हो, इसी को हम कहते हैं बायोप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। बायोप्रोसेसिंग ऑफ बायोटेक प्रोडक्ट्स कंसिस्ट ऑफ टू मेजर प्रोसेसिंग स्टेप्स। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 मेजर स्टेप्स इस्तेमाल करे जाते हैं, एक है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, दूसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। एक एक करके डील करेंगे। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज द फेज इन विच सेल लाइन्स आर जनरेटेड, दैट इज बायोमास इज प्रोड्यूस्ड एट अप्रिशिएबल स्केल। एक एग्जाम्पल लेते हैं एल्कोहल प्रोडक्शन, ये भी एक बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है। जैसे कि लेट्स से वाइन या फिर बियर कुछ भी ले लेते हैं, इसके लिए हमें एक रॉ प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम वाइन की बात करते हैं, वाइन के लिए रॉ प्रोडक्ट क्या है, ग्रेप, ठीक। हमने ग्रेप लिया, ग्रेप में हम क्या ऐड करेंगे, फंगस ऐड करते हैं ना, तो ये जो फंगस जब आप ऐड करते हो ये हमारे लिए बन जाती है सेल लाइन। सेल का मतलब है ऑर्गेनिज्म। तो आपने रॉ प्रोडक्ट लिया, मास प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे रॉ प्रोडक्ट लिया और उसमें आपने क्या करा, किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड कर दिया। ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। यहाँ पे आप बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस बनाने के लिए प्रोसेस कर रहे हो, इसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम। फिर उसके बाद आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ऑन द अदर हैंड इट इज द फेज दैट डील्स विद एक्सट्रैक्शन और सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बायोमास। ओके, तो हमने वाइन के लिए क्या लिया था, ग्रेप लिया था और उसमें फंगस ऐड कर दिया था। अब समय के साथ क्या होगा, वो फंगस ग्रो करेगा, ठीक, और फंगस वगैरह ग्रो करने के बाद तो पूरा का पूरा जो ग्रेप्स वगैरह थे, ग्रेप जूस जो था वो पूरी तरह से सड़ गया होगा, फर्मेंट हो गया होगा और अल्कोहल उसके अंदर मौजूद है, लेकिन अल्कोहल अभी भी प्योरीफाई नहीं हुआ है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का काम यह है कि उस बायोमास में से अल्कोहल को सेपरेट करना प्लस जो वेस्ट है उसको सेपरेट करना। ये जो सेपरेशन वाला जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद होती है, जहां पे आप क्या करते हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट को वेस्ट वगैरह से अलग करके आप क्या करते हो, पैक करते हो या फिर स्टोर करते हो। नेक्स्ट, बायो प्रोसेसिंग इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, फूड, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स जब हम बात करते हैं, हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, केमिकल्स एंड पॉलीमर्स। सो दीज आर योर एप्लीकेशंस ऑफ बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी। कहाँ कहाँ पे यूज करी जाती है ये, अल्कोहल पर यूज करी जाती है, फूड जैसे कि ब्रेड वगैरह हो गया, पेस्ट्री वगैरह हो गए, बिस्किट्स वगैरह हो गए, बेक बेक्ड फूड्स, ये सब आ जाएंगे, फार्मास्यूटिकल्स,
मेडिसिंस वगैरह हो गए, न्यूट्रासिटिकल्स की बात करें, हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जैसे वाइटामिन के टैबलेट्स वगैरह हो गए, मिनरल्स के सप्लीमेंट्स वगैरह हो गए, ये सब केमिकल्स जैसे कि इंडस्ट्रियल डाई वगैरह हो गए, सॉल्वेंट्स वगैरह हो गए, पॉलीमर्स जैसे बायोप्लास्टिक वगैरह है, ये सारी चीज़ें बायोप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के सहारे ही प्रोड्यूस करी जाती हैं। नेक्स्ट इज जीन। इसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायोलॉजी की क्लास में, लेकिन फिर भी हम आने वाले क्लासेस में कई बार जीन जीन यूज करने वाले वर्ड, तो इसे से देख लेते हैं। व्हाट इज जीन? इट इज अ सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, टू स्पेसिफिक ये डीएनए का एक छोटा सा पीस है, दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ फंक्शनल प्रोडक्ट, यूजुअली अ प्रोटीन। अगर आपको याद हो, हमने बात करा था डीएनए से कॉपी होके आरएनए बनता है, आरएनए से कॉपी होके प्रोटीन बनता है। ना होता यह है, हमारे एक डीएनए के अंदर हजारों जीन्स होती है, मतलब उन्हीं हजारों जीन से हजारों प्रोटीन बन सकते हैं, और हर एक प्रोटीन की एक खासियत है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारा स्किन कलर क्या होगा, हम डार्क स्किन होंगे या फिर फेयर स्किन वाले होंगे, कैसे पता चलता है? स्किन कलर के ऊपर। अब स्किन कलर क्यों होता है? एक पिगमेंट की वजह से, पिगमेंट का नाम है मेलेनिन, और ये जो पिगमेंट है ये क्या है कि प्रोटीन है। अगर मेलेनिन प्रोटीन ज्यादा प्रोड्यूस हो गई तो डार्क स्किन, अगर कम प्रोड्यूस हो गई तो फिर फेयर स्किन। और ये मेलेनिन का कंटेंट डिटरमाइन कौन करेगा? जीन। और ये जीन है कहाँ पे? डीएनए के अंदर। तो जीन क्या है? एक छोटा सा स्मॉल फ्रैगमेंट है, किसका? डीएनए का। जीन्स आर मेड अप ऑफ कोडिंग अल्फाबेट ऑफ फोर न्यूक्लियोटाइड्स, मेड अप ऑफ फोर बेसिस, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए। नीचे डायग्राम में आपको दिख जाएगा क्रोमोसोम, वैसे आपको पता ही होगा क्रोमोसोम क्या है, टाइटली पैक डीएनए है। डीएनए यहाँ पे क्या होकर रखा है? टाइटली पैक होके रखा हुआ है। डीएनए इस डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, पता ही है। जब आप इसी डीएनए को क्या करते हो? अनवाइंड करते हो, ठीक। जो क्रोमोसोम को जब आप अनवाइंड करते हो तो आपको ये कुछ ऐसी अपीयर होगी, ठीक। ये आपको डीएनए दिख जाएगा, और डीएनए में आपको ये दिख जाएगा एक छोटा सा फ्रैगमेंट है, पीस है। ये छोटा सा फ्रैगमेंट, छोटा सा पीस क्या है? एक जीन है। और एक डीएनए में सैकड़ों से हजारों जीन्स हो सकती है। वैसे अगर ह्यूमन की बात करें, हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए के अंदर 10,000 पेयर के जीन्स हैं। दैट मीन्स 10,000 फ्रॉम मेल्स पेरेंट, 10,000 फ्रॉम फीमेल पेरेंट। हमारी बॉडी के हर एक कैरेक्टर के लिए एक एक जीन है। स्किन कलर क्या होगा, हाइट क्या होगी, आई का शेप क्या होगा, हेयर टाइप क्या होगा, हमारे ब्लड ग्रुप क्या होगा, ऐसे हर एक चीज़ के लिए एक एक जीन हमारी बॉडी में मौजूद है। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भी अगेन एक, इसे आप एक और नाम से भी जानते हो, इसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। सिंपल एज द नेम सजेस्ट, जब आप डीएनए को मॉडिफाई करते हो, चेंज करते हो, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखते हैं, टेक्निक्स टू ऑल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। जब आप डीएनए और आरएनए के जो केमिकल प्रॉपर्टी, जब उसे चेंज करते हो, कैसे? To introduce those into host organisms and thus change the phenotype of the host organism. जब आप DNA को चेंज करके किसी ऑर्गेनिज्म का DNA alter कर देते हो, modify कर देते हो, इसी को हम कहते हैं genetic engineering. जैसे example लेते हैं, normal cotton में pesticide या insect resistant property नहीं होती है, लेकिन हमने क्या करा? Cotton के DNA को चेंज करा, engineer करा, modify करा, इसकी वजह से क्या हुआ? वो cotton का पौधा इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गया, और उसका नाम चेंज हो गया बीटी कॉटन। तो ये क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से ही हो सकता है। तो जब आप डीएनए को अल्टर करते हो, आरएनए को अल्टर करते हो, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन, सॉरी, ये आपको डायग्राम में यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये आपको दिख जाएगा, दिस इज अ डीएनए ओवर हियर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक। नाउ दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ये एक पीस हमने हटा दिया, ठीक, और इसकी जगह पे एक अलग ही एक पीस हमने क्या करा? ऐड कर दिया। दैट मींस हमने ओरिजिनल डीएनए को चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, इंजीनियर कर दिया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 3 मार्कर, फार्माको जीनोमिक्स। द टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन एनालाइजिंग हाउ जेनेटिक मेकअप अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स रेस्पॉन्स टू ड्रग्स। फार्माकोजेनोमिक्स क्या है? ये एक स्टडी है, टेक्निक है, जिसकी वजह से हर एक ड्रग की इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं हर एक इंडिविजुअल के बॉडी में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं,
कुछ लोग, आपने कई बार सुना होगा, कुछ दवाइयों से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसा क्यों है, एलर्जिक रिएक्शन क्यों है? दवाई दवाई है। रीजन ये है, सबका डीएनए अलग है, अलग होने की वजह से कभी कभार क्या होता है, एक आध दवाई रिएक्ट कर जाती है। तो जब आप क्या करते हो, हर एक पेशेंट या फिर हर एक इंडिविजुअल के डीएनए के हिसाब से जब दवाई को टेस्ट करते हो, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप की दवाई बनाते हो जो कि रिएक्ट ना करें, इसी साइंस को हम कहते हैं फार्माकोजेनोमिक्स। आज की तारीख में ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टर्म बन गया है, क्योंकि दुनिया भर के साइंटिस्ट और फार्मा कंपनीज एक नए टाइप के एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाम है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। इसका मतलब क्या है, हर एक इंडिविजुअल की बॉडी फिजिक अलग है, डीएनए अलग है, तो उस इंडिविजुअल के हिसाब से उसके लिए पर्सनल मेडिसिन बनाई जाएगी, और इसमें फार्माकोजेनोमिक्स हेल्प कर रही है। इससे होगा क्या, दवाई की वजह से इन फ्यूचर कभी भी रिएक्शन होगा ही नहीं, और इसी साइंस इसी टेक्निक को हम कहते हैं फार्माकोजेनोमिक्स। नेक्स्ट बायो रिमेडिएशन, ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं एनवायरमेंट बायोटेक में, बट फिर भी देख लेते हैं। इट इज अ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगस, प्लांट्स और बायोलॉजिकल एंजाइम्स आर यूज्ड टू कंज्यूम एंड ब्रेक डाउन एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स इन ऑर्डर टू क्लीन अ पॉल्यूटेड साइट। जब आप पॉल्यूटेड एरिया को या फिर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हो, इससे होता क्या है, जो ह्यूमन की वजह से जो मिस्टेक्स हुई हैं, जब आप उसे रिमेडिएट करते हो, उसको सही करते हो, इसी को हम क्या कहते हैं, बायो रिमेडिएशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्यूडोमोनास प्यूटिडा, जिसे ऑयल जैपर भी कहा जाता है, जहाँ जहाँ पे समंदर में ऑयल स्पिल हो जाता है वहाँ पे इस बैक्टीरिया को रिलीज कर दिया जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो स्पिल्ड ऑयल है, जो पेट्रोलियम, उसको खा जाता है, और इसकी वजह से होता क्या है, जो ऑयल स्पिल का जो डिवास्टेशन है वो कम हो जाता है। इस तरह से हम बायो रिमेडिएशन कर सकते हैं। सो दिस इज योर बायो रिमेडिएशन। ये डेफिनेशन 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और ये जो ऑयल जैपर या फिर जो बैक्टीरिया का नाम है, ये हमारे लिए प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। इम्यूनोसप्रेसेंट्स ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसफर के दौरान ज्यादा जरूरत पड़ती है। देखते हैं इसके बारे में क्या है ये। They are a class of drugs that suppress the immune response through various mechanisms. In organ transplantation, they are used to prevent the body from either recognition or acting on the foreign organ. Let's say कोई बंदा किडनी ट्रांसप्लांटेशन फॉलो कर रहा है, ठीक, किडनी खराब हो गया, किसी डोनर से वो किडनी ले रहा है। अब होता यह है, हमने ऑर्गन ट्रांसफर कर तो दिया, लेकिन एक इश्यू आ जाती है, दोनों इंडिविजुअल्स का डीएनए अलग है, ब्लड ग्रुप वगैरह भी डिफरेंट हो सकती है, तो देर इज अ चांस कि डीएनए अलग अलग होने की वजह से ऑर्गन रिजेक्शन हो सकता है। हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करती है, दूसरे ऑर्गन को रिजेक्ट करती है। तो इसको काउंटर करने के लिए जो दवाई यूज करी जाती है उसका नाम है इम्यूनोसप्रेसेंट। ये इम्यूनोसप्रेसेंट क्या करता है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस करती है, दबा देती है, जिसकी वजह से होगा क्या, ये जो फॉरेन ऑर्गन है, फॉरेन किडनी है, वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। कब तक, जब तक हमारी बॉडी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती है, क्योंकि ऑपरेशन करके हमने क्या करा है, किडनी को बस पैच करा है ना, पैच मतलब दोनों के बीच में अभी तक मतलब टिश्यूज जुड़ी नहीं है, अभी जुड़ने में कुछ महीने लग सकते हैं, तो उसी दौरान ऑर्गन रिजेक्शन वाली जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करने के लिए दवाई दी जाती है, इसी को हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट। ठीक, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली नाम के लिए दे रखे हैं, बट हमारे लिए इम्यूनोसप्रेसेंट एज ए डेफिनेशन जरूरी है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कुछ नए पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है टू प्रमोट ऑर्गन डोनेशन, और उस वजह से इम्यूनोसप्रेसेंट आज की तारीख में इंपॉर्टेंट बन गई है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, बायोफ्यूल्स। देखते हैं बायोफ्यूल क्या है। दे आर काइंड ऑफ फ्यूल्स दैट आर डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड बाय देयर बाय प्रोडक्ट्स और माइक्रोब्स और एनिमल वेस्ट। बायोफ्यूल क्या है, ये वो फ्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करी जाती है, प्लांट से हो सकता है, उनके बाय प्रोडक्ट से हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकता है, या फिर एनिमल वेस्ट से भी हो सकता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल सच एज बायोइथेनॉल एंड बायो डीजल। बायोइथेनॉल कैसे प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होती है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से। अब बोलोगे शुगर कहाँ से आए, शुगर जब हम बात करते हैं हम चीनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेज कॉर्न की बात कर रहे हैं, शुगर केन की बात कर रहे हैं,
बीट रूट पोटैटो की बात कर रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, शुगर रिच होते हैं, इनको फर्मेंट करके जो इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, और जो उसी इथेनॉल को हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, हम इसे कहते हैं बायो इथेनॉल। नेक्स्ट बायो डीजल। बायो डीजल क्या है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांस एस्टरीफिकेशन ऑफ ऑयल। ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे प्रोड्यूस करी जाती है? ट्रांस एस्टरीफिकेशन से करी जाती है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांस एस्टरीफिकेशन ऑफ ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स लाइक जैट्रोपा, रेप सीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोया बीन। ठीक, जो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल है उसको हम क्या करते हैं, केमिकली मॉडिफाई करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांस एस्टरीफिकेशन। इसकी वजह से उनकी ऑयल में प्रॉपर्टी चेंज होती है, और इसी ऑयल को जब आप एक फ्यूल के तौर पे यूज करते हो, हम इसे कहते हैं बायो डीजल। लेकिन बायो इथेनॉल, बायो डीजल एज इट इज हमारे फ्यूल में, हमारे व्हीकल्स में यूज नहीं करा जाता है। करा ये जाएगा कि बायो डीजल, बायो इथेनॉल को हमारे फॉसिल फ्यूल के साथ ऐड करा जाता है। 10% 20% बायो डीजल रहेगा, बायो फ्यूल रहेगा, एंड 80% 90% फॉसिल फ्यूल रहेगा। इस मिक्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हमारे व्हीकल में। इस तरह से बायोफ्यूल एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है फॉर फॉसिल फ्यूल, और हमारी फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी को कम भी कर सकता है। ठीक, सो दिस इज फॉर टुडे, विल कंटिन्यू टुमारो। हैव ए गुड डे, टेक केयर।